छठवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी पृथ्वी पर आयुर्वेद लेकर अवतरित हुए थे, इसलिए ये छठवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। और सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेदा फॉर पोषण के थीम पर मनाया जा रहा है कि मतलब कि हम किस तरह से अच्छी तरह से पोषण आहार लें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम बीमार ना हो। यही आयुर्वेद का लक्षण है कि जो शरीर हमारा स्वस्थ रहे और कोई रोगी है तो उसकी चिकित्सा की जाए। लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील है कि आयुर्वेद अपनाएं, बीमारी को दूर भगाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, योगा करें और आयुर्वेद अनुसार जो आहार विधि है उसके अनुसार आहार ग्रहण करें, अपने शरीर को पोषित रखें। इसके उपलक्ष्य में सरकार द्वारा आज एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का और मिड डे मील वर्कर और टीचर्स का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमें आयुर्वेद अनुसार कैसे आहार ग्रहण करना चाहिए, कितना आहार लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस ऋतु में कितना खाना खाना चाहिए। छठा विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जीएनएम ट्रेनिंग भी शुरू कर रखी है। जो आंगनवाड़ी वर्कर है उनकी ट्रेनिंग शुरू कर रखी है। इसका मोटिव है कि पोषण, आयुर्वेद को पोषण के रूप में हम कैसे इस्तेमाल करें, स्कूल वगैरह में मिड डे मील में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मेन मोटिव है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? जी, लोगों से ये कहिए कि आयुर्वेद पोषण के रूप में जितना ज्यादा से ज्यादा अपनाया जा सके स्वस्थ रहने के लिए वो अच्छा है। आज की जीवन शैली जैसी है, योगा, आयुष डिपार्टमेंट से पोषण के रूप में मिर्च मसाले, अपने जो मसाले किचन में हैं मेनली उसको यूज करें, मिड डे मील में बच्चों को यूज कराया जाए, उससे काफी लाभ हो सकता है। हम लोगों ने पॉम्पलेट सभा रखी है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर परवीन गोयल, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। और ये जो ये शिविर लगा गया है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है, ये हर साल धन्वंतरी दिवस धनतेरस वाले दिन मनाया जाता है। इसमें अबकारी जो मनाया जा रहा है, इसका जो मुख्य थीम है वो है कि आहार, आयुर्वेद मेडिसिन्स और को और खाना पीने को पोषण एक सिस्टमिक वे से कैसे किया जाए कि जो शरीर के लिए हर तरह से लाभदायक हो। इसके लिए हमने पंपलेट भी छुपाए हैं। इसमें है कि जैसे विरुद्ध आहार, कई जैसे विरुद्ध आहार होता है, वो विरुद्ध आहार हम ना करें। जैसे हम फल, नमक, चना और दही और दूध के साथ नमक ना लें, खरबूजा और तरबूज के साथ गेहूं, बाजरा या तले हुए पदार्थ नहीं खाएं। इसी तरह ये विरुद्ध आहार और मेनली आहार के बारे में हमें कब खाना खाना चाहिए, किस तरह से खाने का शुरुआत करनी चाहिए, सबसे पहले हाथ साबुन से धोने चाहिए, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, खाना खाने की मात्रा 2/3 खानी चाहिए जितनी पेट में भूख हो, 1/3 उसको खाली रखना चाहिए। इस तरह की हमने इस बार हमने थी आहार के आहार को लेकर पेश किया गया। मैं पीछे कई बार दे चुका हूँ दवाई और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इनकी दवाइयाँ लगभग लगभग कारगर हैं। तुरंत तो लाभदायक नहीं है, परंतु धीरे धीरे बहुत बढ़िया आराम करती हैं, निरापद हैं, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य के साथ हम अपना इलाज कराएं आयुर्वेद से, तो सफल इलाज हो सकता है। आयुर्वेद तो भारतीय पद्धति है, अब थोड़ा सा अब बढ़ावा मिल रहा है देश में, हमें गर्व होता है कि हमारी पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर इसमें रिसर्च आगे होंगी तो निश्चित रूप से लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरा नाम राहुल है, मेरा गांव बेला है, मैं आयुर्वेदिक दवाई खाता हूँ, PSC डिगोर से, कि मैंने आयुर्वेदिक से बहुत दवाई खाई है, एलोपैथिक के में छिप गया, मैं आयुर्वेदिक मेरे को ठीक कर रही है, चार महीना हो चुके हैं, मैंने बहुत दवाई खाई है आयुर्वेदिक की, मैं अब तक ठीक हूँ, मेरा हाथ पैरों में दर्द रहता था, मैं अब तक चल पा रहा हूँ। लोगों से ये अपील है कि और भी खाएं लोग बाग देसी दवाई भी, एलोपैथिक को छोड़े आयुर्वेदिक पाएं, ये अपील है मेरे को। मैं और भी ठीक, आयुर्वेदिक बहुत ठीक करती है, पेटों की भी, जोड़ों को भी, सिर में दर्द, जुकाम, खांसी, इस टाइम की जो ये चल रहा है डेंगू का, इस टाइम गिलोय ले, नीम गिलोय ले, काढ़ा ले, पत्ते के पपीते पत्ते ले, बकरी का दूध ले, कीवी ले, या आयुर्वेदिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा ठीक करती है। ठीक है।